अरे हमारे मुंह पे फोटी था ब्रो, इतनी ही है अंदर। 1 HP है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आज का पानी और न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज का गेम प्ले होने वाला बहुत एकदम भसड़दार, मतलब कि इतने किल करने वाला है तुम्हारा भाई, लेकिन बस एक ही जगह पे, उसके बाद किल विल नहीं मिलने वाला, समझ रहे हो। जब हम कूदते याचना याचना में बंदे लोग के पास हाथ में गन नहीं लगती और बंदे मेरे मुँह के सामने साथ, आप देखो कैसे बजाते इसको। चलो बेटा अब इसको नॉक करते, मैं कवर में आता हूँ और रिलोड करता हूँ, तभी एक और बंदा आता और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने हक दिया बस। अब यहाँ पे हकने के बाद आप देखो जिसको डैमेज देके वही वो तो बचने वाला नहीं है, और मेरे टीममेट लोग ऊपर जाके नॉक फिनिश हो गया था एक बंदा। अब मैं जाता हूँ फटाफट से कवर देने के लिए। अब एक बंदा इस कमरे के अंदर ही रहता है, आप देखो मैं मेरे टीममेट जाते हैं और यहाँ पे पता नहीं क्या पिंग हाई था क्या था पता नहीं कुछ भी। अब मेरे टीममेट इसको कर दिया नॉक, उसके फ्री फायर के बीच में आके मैंने इसको कर दिया फिनिश। अब फिनिश करने के बाद देखता हूँ भाई साहब ऊपर वाला बंदा भाई अपने दो दो बंदों को मार चुका है। अब यहाँ पे देखो मेरी भी पेटी उसी के हाथ से बनने वाली है, लेकिन आप लोग भूलोगे भाई आपकी भी पेटी उसके हाथ से बनने वाली है, फिर कैसे के आप यहाँ पे पूरा भसड़ मचाने वाले। तो वो आएंगे अपन रिकॉल होने के बाद, जब तुम्हारा भाई इतना खून हम खून कर देगा इन बंदों को मार मार के। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट एड मारता हूँ, फर्स्ट एड मारने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और थोड़ी बहुत लूट वूट करता हूँ। लूट वूट अभी चलना लूट करने, यहाँ पे क्या टीवी भी ले रहा है। अब यहाँ पे लूट करने जाता हूँ तो ये मेरे टीममेट उसको अच्छा खासा डैमेज देते हैं, डैमेज देता तो मेरे टीममेट बोलता चढ़ जाओ आप। अब मैं चढ़ता हूँ तो देखो भाई बंदा यहीं बैठ रहता है और मेरे को कर देता नॉक, क्योंकि भाई मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट था, वेस्ट तो था ही नहीं, तो एक दो बुलेट का ही मेहमान था। उसके बाद मैं यहाँ पे नॉक फिनिश हो जाता हूँ। उसके बाद मेरे टीममेट को बोलता हूँ भाई फटाफट मेरे को रिकॉल कर दो, रिकॉल करने के बाद मैं सीधा छत के ऊपर कूदता हूँ। जब तक मेरे टीममेट ने सबकी बैंड वैंड बजा रखी थी, अब बैंड वैंड बजाने के बाद मैं इधर आता हूँ, थोड़ी बहुत लूट वूट करता हूँ। अब लूट वूट करने के बाद एक स्टैंडर्ड मिल जाता भाई SMG का, तो सामने तरफ से एक लाल घर वाला बंदा मतलब मेरे को एकदम परेशान करता रहता, डैमेज में देने की ट्राई करता। अब यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ, तेरी भैंस की डर, तभी मेरे को दिखता है चल भाई छत पे एक बंदा, इसको मैं नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद ये जो लाल वाला घर वाला तो बंदर था, इसको मैं थोड़ा डैमेज करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार डब्बे की वजह से मतलब खुला हुआ दिख रहा था सामने, लेकिन डब्बे की वजह से गिली चोरता हूँ बंदा। अब मैं बोलता हूँ चलो कोई भाई अपन यहाँ पे पुश करेंगे इसको निपटाएंगे। आप पुश करता हूँ मैं इसके ऊपर आता हूँ मारने के लिए, लेकिन फुस्टे भी नहीं आते। तो फिर मेरा टीममेट बोलता भाई ये मर चुका है जाके, तो मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, देखूँ भाई हाँ यार तो सही में पेटी बना दी इसकी किसी ने। अब यहाँ पे पेटी वेटी बनाने के बाद देखो सामने वाला जो अपार्टमेंट देख रहे हो जहाँ पे मैं नॉक किया था, यहाँ पे जो इतनी गंदी वाली भसड़ होने वाली है ना, देखिए बिल्कुल मज़ा आएगा देख के। और देखो मैं इस साइड में आता हूँ, ये पी बाइजन वाले बंदे ने फायर किया उधर से, तो मैं बोलता हूँ कोई भाई नहीं भाई आ जाओ तुम्हारे को बजाते हैं। अब ऊपर देख सकते हो कितने सारे फुस्टे पा रहे भाई, राइट में देख सकते हो मिनी मैप में इतने ज़्यादा फुस्टे पा रहे हद से ज़्यादा। अब मैं इस साइड में आता था यार बंदे लोग ना आपस में फाइट वाइट हो जाती है, वो बंदे लोग पी बाइजन वाला ऊपर से नीचे की तरफ कूदता है और मेरे टीममेट के ऊपर आ जाता है, चढ़ जाता देखो कैसे बजाते हैं। जब तक मैं इधर बजाने के लिए जाता हूँ मेरे टीममेट भाई सब लोग को बजा बजा देता है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भसड़ हो रही थी। अभी ऊपर बंदे बंदे हैं तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं भाई मैं सीधा जाऊँगा और जाकर यहाँ पे मारूंगा। अब देखो तुम्हारे भाई के पास वेस्ट रहते थे, देखो यहाँ पे बच जाता हूँ मैं, अगर वेस्ट नहीं देते तो यहाँ पे भी खत्म था मैं। अब यहाँ पे मेरे टीममेट लोगों ने घुसा और उसको भी निपटा दिए, और निपटाने के बाद अब देखो ऊपर भी बंदा रहता और एक राइट वाले छत भी बंदा रहता जो भाई हमारे को एकदम परेशान करता रहता बार बार मतलब फायर कर करके। तो देखो अब सबसे पहले मैं बोलता हूँ कोई नहीं भाई इस बंदे को बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये बंदा दिख भी नहीं रहता, तो मैं देखता हूँ सीधा चलते छत पे। जब तक मेरे टीममेट ऊपर चढ़ के फाइट लेने लग जाता है, पता नहीं क्या सीन था यार बंदे लोग मरने का नाम ही नहीं लेते। अब यहाँ पे मेरा काम था सिर्फ रिवाइव करने का, क्योंकि भाई किल विल तो मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे यहाँ रिवाइव करता तभी एक बंदा सामने तरह से खड़ा होता और हमारे ऊपर फायर करने का ट्राई करता। देखो चलो बेटा तुम मैं निकलो लो भी। अब यहाँ पे दो दो बंदे नोक तो फटाफट से रिवाइव करते हैं, रिवाइव करने के बाद पीछे की तरफ आता क्योंकि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है हमारे को मतलब बताया था मेरे टीममेट की इधर बंदा आ गया फायर वायर होता है। देखो ये बंदा सामने की तरफ टीवी पिल लेता रहा था, इसके साथ क्या सीन होता है देखो साला, एक ही हेलमेट पे पड़ता ना भाई AKM का भाई लेवल 1 तो ऐसे टूट जाता है, मतलब जैसे भाई झाड़ू की तरह झाड़ू के तिनके होते ना वैसे टूट जाता है लेवल 3 का मतलब लेवल 1 का हेलमेट। अब उसके बाद मैं इस साइड में आता हूँ और यहाँ पे एक बोर्ड दिखता है, तो पहले फर्स्ट से पहले इस बोर्ड को भी निपटा दिया जाए। हाँ भैया कहाँ चुप रहा है। अब इस बोर्ड को मारने के बाद मैं आगे तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि यार इधर बंदे बंदे आ रहे थे, तभी एक बंदा रिकॉल होकर आता है। देखो इसके साथ कितना गंदा सीन होने वाला है, या अभी रिकॉल होकर आता है, देखो 3-4 स्पीड जाता है। अब इस बंदे को हो जाता है भाई नॉक फिनिश। भाई इस बंदे को इतना गुस्सा आया होगा ना कि भाई अभी रिकॉल होकर आया हूँ भाई इतने कुत्ते की तरह मारे हो मेरे को। अब इसको मारने के बाद हम लोग इस साइड में आते हैं, तभी एक बंदा मेरे ऊपर मोली करने की ट्राई करता है। अब जैसे वो मोली कुक करता है मैं सीधा घुस जाता हूँ, मुझे पता था इसी कमरे में करेगा वो। चलो बेटा नॉक खा लो। अब नॉक खाने के बाद ये भाई एकदम खतरनाक प्लेयर था। मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ यार कोई ऊपर की तरफ तो है नहीं, लेकिन तभी मेरे को पीछे की तरफ से पड़ती है। अब इसको करता हूँ मैं फिनिश। फिनिश करने के बाद देखो इसका दूसरा बंदा आता है यहाँ पे, मैं नेट करने का ट्राई करता हूँ, इसका दूसरा बंदा आ जाता है, देखो इसको भी कैसे बजाते हैं।
ये बंदा भाई, इसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि भाई यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ। अब पीछे वाले घर वाले जो बंदे थे जो मेरे को डैमेज देते, वहाँ पे भी दो तीन बंदे रहते, दो तीन क्या कुछ ज़्यादा बंदे रहते। अब देखो उनको भी कैसे बचाएंगे। सबसे पहले इसको फिनिश करता हूँ, फिनिश करने के बाद थोड़ी बहुत लूट वूट करने लगता हूँ मैं, क्योंकि लूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट का। और लूट वूट करने के बाद मैं साइड में आता हूँ। अब यहाँ पे जो बंदे रहते हैं ना सामने की तरफ कैंप करते रहते बहुत गलत तरीके से। सब देखो यहाँ पे थोड़ा मारेंगे, ट्राई करेंगे। अब मेरे को फुटस्टेप तो आ रहा था लेकिन यार मतलब कि कंफर्म नहीं हो रहा था कि बंदा कौन से फ्लोर में है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नेट को करता हूँ, नेट करके मैं यहाँ पे डालता हूँ जब तक मेरे टीममेट की एक मोली से एक बंदा नोक आ जाता है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड लोग भी बंदे वंदे आए थे तो यहाँ पे एकदम घुसना तो बनता था हमारे को, तो हम लोग सब इधर से घुस जाते। और यहाँ पे देखो तीन तीन बंदे होते जो भाई इतनी गंदी भसड़ में मारने वाले हैं। कौन किसके हाथ से मर गया था बिल्कुल भी पता नहीं चला, हमारे को भी नहीं पता चला ना उन बंदों को पता चला भाई कौन किसके हाथ से मर रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे टीममेट ऊपर की तरफ गया, बोल लेता है एक बंदे से फाइट, और जो मतलब के अंदर से निकला था इसको मैंने कर दिया नॉक। तभी एक और बंदा निकल के आता है। अभी तभी भाई यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ तभी टीम का लास्ट बंदा उतर के आता है। देखो ये रिकॉल होकर आया था भाई, एक ही बुलेट पड़ी और ये भी हो गया खत्म। अभी ऑलरेडी होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं मारूंगा भाई ये अंबुजा सीमेंट जो भी है, और उसके बाद अपने टीममेट को करूंगा रिवाइव। और यहाँ पे रिवाइव करने के बाद अब सीधा ना मैं देखता हूँ चलो भाई कोई नहीं आया, रिवाइव कर लेते हैं। और मेरे टीममेट यहाँ पे देखो क्या बोलता है भाई, एकदम फनी बातें कर रहा है, मतलब मस्त बंदा है यार एकदम। अब यहाँ पे मैं आता हूँ लूट वूट करने के बाद ऊपर के साइड में आता हूँ, तभी एक बंदा यहाँ पे रिकॉल होकर आता है। अब इसके साथ ही बहुत गंदा सीन होने वाला है भाई, ऐसा क्यों हो रहा भाई इन बंदों के साथ। अब ये भी हो गया फिनिश, फिनिश होने के बाद ये सामने वाले जो घर दिख रहे हो ना भाई इसके अंदर आ जाते हैं बंदे बंदे। अब देखो इनको भी कितना गंदा मारने वाला हूँ मैं, एक नॉक दिया मैंने। अब एक नॉक देने के बाद अंदर की तरफ होते दो बंदे और, अब देखो इनको कैसे बचाते हैं। अरे भाई सारे बंदे हो गए नॉक, सारे को तुम्हारे भाई ने मार दिया वाले, मेरे टीममेट ने फिनिश फिनिश किया। अभी आप देख सकते हो तुम्हारे भाई का नाम एकदम 11 किल हो चुके हैं। 11 के बाद एक बंदा और मारता हूँ उसके बाद मुझे किल नहीं मिलते एक भी। यहाँ पे तो 11 किल मिलते उसके बाद यहाँ पे लूट वूट करने के बाद, और यहाँ पे मेरे टीममेट पता नहीं बिना बात में भाई यहाँ पे जमाने के लिए फायर वायर कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे लूट वूट करने के बाद हम लोग बोलते चलो भाई अब जोन में चले क्योंकि और किल मिल चाहिए। अब यहाँ पे जाते रहते हम जोन में, तब यहाँ पे एक बग्गी वाला भी दिखता है हमारे को। अब इस बग्गी वाले को मारने के चक्कर में देखो यहाँ पे सारे टीममेट लग जाते हैं पीछे, लेकिन ये बग्गी वाला सीधा मेरे टीममेट के हाथ से मर जाता है क्योंकि ये ला के बग्गी हमारे पे ठोक देता है। पता नहीं क्या सीन था यार, पिंग हाई था कुछ पता भी नहीं चला। तभी मैं अपने टीममेट को यहाँ पे बग्गी पे बैठाता हूँ और हम लोग निकलते हैं जोन की तरफ। अब यहाँ पे जोन की तरफ हम लोग तो निकल जाते हैं लेकिन एक सीन होने वाला बहुत गलत वाला, क्योंकि अभी देख सकते हो मेरे भाई यहाँ पे 11 किल है और यहाँ पे सामने तरफ मेरे टीममेट वाला भाई चार चार बंदे थे। देखो यहाँ पे तुम्हारा भाई कैसे बजाता है इसको, पहले एक बंदा खोले मरता है गिली सूट वाला। अब इसको मैं नॉक करता हूँ, नॉक करने के बाद मैं बताऊँगा भाई मेरे टीममेट को बैठो कि अपन पुश करते, लेकिन मेरे टीममेट यहाँ पे बैठता नहीं, भले ही मेरा गाड़ी के टायर फोड़ देता है भाई बताओ। अब वहाँ पर जब तक मैं पहुँचता हूँ पूरी टीम यहाँ पे ओल्डेड हो चुकी थी भाई। मेरे टीममेट को बोला भाई बैठ जाए, अगर बैठ जाते तो एक दो किलो और मिल जाते। अब यहाँ पे तुम्हारे भाई के 12 किलो हो गए। उसके बाद ये जो 3 मिनट का गेम प्ले है भाई, इसके बाद भाई बिल्कुल भी किल विल मिलने वाले नहीं है। भले 9 बंदे बचे हुए भी, 9 में तो मतलब 5 में तो कुछ ना कुछ को किल तो मिलना चाहिए। तब यहाँ पे इसके पेटी में से ग्रोजर रोजा मिल जाते तो फटाफट से ग्रोजर रोजा भी ले लेते भाई। ग्रोजर रोजा लेके बंदे पता नहीं क्या करते रहते भाई, इतना गंदा कैंप करते रहते ग्रोजर रोजा लेके भाई बताओ। अब यहाँ पे मारने के बाद थोड़ी बहुत लूट वूट कर लिए थे अपन ने। अब लूट वूट करने के बाद हम लोग बोलते चलो भाई इधर से निकलते, तो भाई हमारे को दिखता है कि यूएस मतलब कि यूएस वाला 16 बंदे रहते हैं, उसके हाथ में डीबीएस रहती है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस समझ रहे हो आसमान के ऊपर रहता है। अब इसको थोड़ा डैमेज वेमेज करने ट्राई करता हूँ, तो कुछ कोई नहीं भाई अपन मैं खुले में चल जाऊँ, मेरे को किल विल चाहिए क्योंकि भाई बंदे बंदे बच नहीं रहते और किल विल भी चाहिए रहता है। अब यहाँ पे 5 बंदे रहते हैं, देखो सारे के सारे ना ये पूरे जितने भी घर हैं यहाँ पे कोई भी घर के अंदर नहीं रहता, सब यार यहाँ पे मतलब लेटे रहते हैं इधर मतलब घास में लेटे रहते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं मारने के लिए। अब इस बंदे को मेरे टीममेट से फाइट बैठे थे, मैं देखा कोई नहीं भाई अपन क्लोजिंग कर रहे थे जब तक वो देखेगा नहीं। अब जब तक यहाँ पे क्लोजिंग करता हूँ मैं, देखता भाई नेट वेट करता हूँ, मुझे लगा यार वो पीछे वाले घर में होगा, तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ। क्लोजिंग करता हूँ, ये बंदा राइट के साइड में आता है, मेरे ऊपर डीबीएस चिपकाता है, तो यहाँ पे तो बच गया था मैं, अच्छा खासा डैमेज दे देता। उसको डैमेज देने के बाद यहाँ पे मैं नेट को करता जब तक मेरे टीममेट इधर से चढ़ता। अब देखो भाई उड़ के एकदम मार देता उसको। अब उसको मारने के बाद फटाफट से इसकी पेटी वेटी लूटते हैं, लूटने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं क्योंकि इधर बंदे बंदे बताते हैं मेरे टीममेट, तो मैं इस साइड में आता हूँ। तभी एक बंदा मेरे को खुले में दिखता है और ये जो मेरा किल चोरी हुआ ना भाई, ये नेक्स्ट लेवल किल चोरी हुआ। देखो यहाँ पे बंदा आता सामने की तरफ, लेट के जाता हूँ मैं, अब यहाँ पे मेरे टीममेट ने किल चुरा लिया, दूसरे वाले को मेरे टीममेट लोग ने मिल के मार दिया। अब यहाँ पे बचे हुए थे दो बंदे, मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई अपन दो बंदे में से एक बंदे को तो मार के किल विल ले लेंगे। जब मैं गाड़ी में चारों तरफ घुमाता हूँ मतलब कि यहाँ पे भाई किल विल मिल नहीं रहते, तो यहाँ पे 12 किल थे भाई, 11 किल सबसे पहले कर रखा था मैंने, उसके बाद तो भाई किल ही नहीं मिला मेरे को। अब उसके बाद यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चारों तरफ घुमाता हूँ, तभी एक बंदा यहाँ पे खुले में आता है, मेरे टीममेट आता था भाई इधर खुले में बंदा। अब मेरे टीममेट एक के ऊपर चढ़ा देता गाड़ी, ये भी टीम एलिमिनेट हो जाता। अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ था जो ऊपर के साइड में रहता, मैंने देखा चलो भाई उसको तो मार ही दूंगा मैं जाके। अब उसको मैं मारने के लिए जाता हूँ सीधा उसके मुँह के पास, अब तभी यहाँ पे चिपका देता उसको, उसको भी कर देते हैं ख़त्म।
भाई यही था साला आज का गेम प्ले भाई, अपने टीममेट लोग किल विल भी करने नहीं देते। तो आप लोग बताना भाई, आप लोग को भी ऐसे टीममेट मिले जो आपको बिल्कुल भी किल विल करने देते नहीं, भले किल ज़्यादा हो तभी भाई आपको किल करने नहीं देंगे, क्योंकि भाई इनको नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं इनको गेम प्ले प्ले से, उनको चाहिए भाई खुद का पेट भरे बाकी दूसरे का खाली रहे। तो आप लोग बताओ अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके टीममेट ऐसे हैं कि नहीं, और आप बताना कैसा लगा आपको गेम प्ले, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, इधर आ, हाँ जरा चैनल को सब्सक्राइब करके जा।